झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो चुन चुनकर बांग्लादेशियों को खदेड़ने का किया जाएगा काम। बरहेट के शहीद सिदो कानू और चांद भैरव की जन्मस्थली से भाजपा ने क्या परिवर्तन संकल्प यात्रा का गृह मंत्री ने दिखाया झंडा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साहिबगंज में परिवर्तन जनसभा में भरी हुंकार, हेमंत सरकार पर जमकर किया हमला। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साहिबगंज में भाजपा की ओर से आयोजित परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में झामू और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आदिवासियों की जमीन की रक्षा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते संथाल के जिलों का डेमोग्राफी बदल गया। कहा कि इलाके में आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घटकर 28% हो गया है। इलाके में घुसपैठ के सहारे बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जो इलाके में आदिवासियों को माती बेटी के लिए लगातार खतरा बना रहता है। उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आदिवासियों की जमीन की रक्षा सिर्फ भाजपा की सरकार ही कर सकती है, क्योंकि ये सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों का लगातार मौन समर्थन कर रही है। राज्य में यदि उनकी सरकार बनी तो चुन चुनकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से खदेड़ने का काम किया जाएगा। दरअसल झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने यहाँ की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे राज्य में परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू किया है। नहीं चाहते हम, झारखंड को बदलना चाहते हैं। आज मैं याद कराना चाहता हूं, झारखंड की रचना भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की और ये हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। भाइयों बहनों, आज पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो ऐसे नारे लगते हैं। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो, आदिवासियों की है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? इसको बचाना है या नहीं बचाना है? क्या हेमंत बाबू बचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी बचा सकती है? कौन बचा सकता है? जोर से बोलो, उनको सुनाई नहीं पड़ता है? हेमंत जी को प्रति वर्ष 5,00,000 नौकरी मिला है क्या? और नौकरी की जगह दौड़ा दौड़ा कर युवा मर जाए, तब तक दौड़ाने का काम ये हेमंत सोरेन ने किया है। हेमंत सोरेन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार।
आदिवासियों का भला कर सकती है।